हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है, ये मॉनसून स्पेशल है। और आफ्टर समर के बाद मॉनसून मेरा वन ऑफ द बेस्ट सीजन लगता है, जिसमें बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। और मैं मॉनसून को अच्छे से एंजॉय करने के लिए मैं ज़्यादा से प्रेफर करती हूँ एक गर्मा गर्म हॉट बाउल सूप मिल जाए तो सोने पे सुहागा, और साथ में बहुत सारे वेज के साथ। तो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ मॉनसून स्पेशल वेज सूप, जो एक इंडो चाइनीज रेसिपी है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है एंड सुपर डिलीशियस है, जिसके लिए आपको घर के जस्ट बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ ही आप बना सकते हैं। और ये रेस्टोरेंट में भी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ये बहुत सिंपल है, तो इसलिए मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैं पहले ऑन करती हूँ और एक पैन ले लेती हूँ। पैन में मैं पहले से 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के रखी हूँ। तेल को अच्छे से गरम कर लेते हैं। तेल अच्छे से गरम हो चुका है तो हम लोग गैस को क्या करेंगे, अभी लो कर देंगे। एंड पहले से मैं 1 पैकेट नूडल्स बॉईल करके रखी थी, उसको मैं फ्राई करूँगी लो फ्लेम पे अच्छे से क्रिस्पी होने तक। आप लोग चाहें तो डीप फ्राई कर सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है, बट मुझे लगता है मैं जब सूप पी रही हूँ तो मुझे थोड़ा डीप फ्राई कोई भी चीज़ पसंद नहीं है। ऐसे भी मार्केट में भी आलू फ्राई अवेलेबल है जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग नूडल्स को पलट पलटते हुए अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर नूडल्स अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पर गैस को बंद कर देते हैं और दूसरे गैस पे हम लोग एक पैन ले लेते हैं। 2 टेबलस्पून ऑयल डाल लेते हैं। तेल को अच्छे से गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद यहाँ पर हम लोग डाल रहे हैं जिंजर जो फाइनली चॉप्ड है। साथ में डालेंगे गार्लिक, बट जिंजर थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए ये सूप में। एंड साथ में हम लोग ग्रीन ऑनियन और गार्लिक जिंजर को 2 मिनट तक सौते कर लेते हैं, जब तक ना इसका कच्चा एंड रॉ फ्लेवर ना चला जाए। उसके बाद हम लोग डालेंगे ऑनियन। मैं यहाँ पे वाइट ऑनियन यूज़ कर रही हूँ, आप लोग रेड ऑनियन भी यूज़ कर सकते हैं। 2 मिनट तक हाई फ्लेम में अच्छे से सौते करने के बाद हम लोग बहुत सारा वेजिटेबल ऐड करेंगे। यहाँ पे पत्ता गोभी, गाजर एंड बीन्स मैं यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो मशरूम भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से हम लोग सौते कर लेते हैं 2 से 3 मिनट तक। एंड देन हम लोग यहाँ पर डाल रहे हैं कैप्सिकम, ये भी फाइनली चॉप किया हुआ है। इसी का मेजरमेंट मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वेजिटेबल का क्वांटिटी आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। सौते करने के बाद हम लोग यहाँ पर सॉल्ट ऐड करते हैं एंड अच्छे से मिक्स कर देते हैं। एंड इसके बाद हम लोग डालेंगे चीनी। चीनी को आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है, बट उस जगह आप लोग टोमेटो केचप थोड़ा सा ऐड कर दीजिएगा। एंड डालेंगे थोड़ा सा पानी, मतलब थोड़ा सा नहीं, मैं यहाँ पर 2 कप पानी यूज़ कर रही हूँ। एंड अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। एंड मिक्स हो जाने के बाद हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर, जो मैं पहले से पानी में घोल के रखी थी, उसको मैं ऐड कर देती हूँ। एंड इसको हम लोग, मतलब जो कॉर्नफ्लावर का कच्चापन कट जाए एंड वेजिटेबल थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, इसलिए हम लोग 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम में सूप को अच्छे से कुक कर लेंगे। यहाँ पर 5 मिनट हो चुका है, देखिए अच्छे से यहाँ पर बॉयल भी आ चुका है, वेजिटेबल ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। हम लोग को ओवर कुक नहीं करना है, चाइनीज़ में कभी भी ओवर कुक नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिड को ओपन कर लेते हैं। एंड देन यहाँ पर हम लोग डालेंगे सॉस, जैसे यहाँ पर डालेंगे विनीगर। विनीगर 1 टेबलस्पून यूज़ कर रही हूँ, साथ में सोया सॉस। एंड एक उबाल आने तक छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए अच्छे से मिक्स कर लिए, एंड एक उबाल आ चुका है। एंड देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ब्लैक पेपर ऐड कर देते हैं। ब्लैक पेपर हम लोग यहाँ पर फ्रेश ब्लैक पेपर यूज़ कर रही हूँ। एंड देन हम लोग यहाँ पर मिक्स करने के बाद गैस को कर देते हैं ऑफ। यहाँ पर रेडी हो चुका है सुपर डिलीशियस इंडो चाइनीज सूप, जिसको मनचाओ सूप भी कहते हैं। और ये बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, इसको अगर आप लोग मानसून में इंजॉय करते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। एंड साथ में मैं डालूँ ग्रीन चिली। मैं ग्रीन चिली पहले यूज़ नहीं किया हूँ, बिकॉज मुझे बहुत तीखा लगता है, तो मैं बहुत मिनिमम यहाँ पर 1 से 2 पीस डाल रहे हैं। आप लोग अपने हिसाब से टेस्ट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड ग्रीन ऑनियन भी स्प्रिंकल कर दे रहे हैं। एंड लास्ट में हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं क्रिस्पी जो मैं पहले से फ्राई करके रखी थी नूडल्स, वो मैं ऐड कर दे रही हूँ। ये नूडल्स ऐड करने के बाद ये सूप का टेस्ट और भी इन्हेंस हो जाता है। तो यहाँ पर सुपर डिलीशियस मनचाओ इंडो चाइनीज सूप रेडी हो चुका है। इस मॉनसून में डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा, एंड ट्राई करने के बाद मुझे बताइएगा ये सूप आपको कैसा लगा। तो फिर मिलते न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।